नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पिंटू सिंह यादव। दोस्तों, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में भाजपा सांसद और पीपल्स फॉर एनिमल के फाउंडर चेयरपर्सन मेनका गांधी का कहना है कि एक सप्ताह पहले हमने पुलिस की मदद से मथुरा के वृंदावन में छापेमारी किया था। 8 सांपों के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। इन्हीं लोगों ने बताया था कि इनका गैंग रेव पार्टियों में सांपों का जहर सप्लाई करता है। जहर का इस्तेमाल जो है वो ड्रग्स के रूप में होता है। गैंग के लोगों ने दी एल्विस को जानकारी। गैंग के लोगों ने एल्विस यादव के बारे में जानकारी दी थी। मेनका गांधी ने एल्विस की गिरफ्तारी की मांग की। इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित एक ऑडियो में दावा किया जा रहा है कि यह ऑडियो सांप लेने वाले गिरोह के सदस्य राहुल और संस्था कर्मी के बीच हुई बातचीत का है। राहुल ने सांप के बदले 31,000 रुपए मांगे थे, लेकिन एल्विस यादव का नाम आने पर 21,000 रुपए में सौदा तय हुआ। ऑडियो में राहुल बता रहे हैं कि एल्विस यादव नोएडा में उसी स्टूडियो पर अक्सर सांपों के साथ बुलाते हैं। जी हाँ, गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज है। प्रभागीय वन अधिकारी प्रमोद कुमार श्रीवास्तव ने एक चैनल को बताया कि गिरफ्तार आरोपितों से मुक्त कराए गए सभी सांप लुप्त प्राय प्रजातियों के श्रेणी में आते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत मामले में लगाए गए आरोप कड़े हैं जो गैर जमानती हैं। इसमें दोष सिद्ध होने पर 7 साल की जेल की सजा हो सकती है। जब्त किए गए सांप के जहर की गुणवत्ता का पता लगाने के लिए प्रयोगशाला परीक्षण के लिए भेजा गया है। तो ये रेव पार्टी को लेकर जिस तरीके से सांपों का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें एल्विस यादव का नाम सामने आया है, लेकिन अभी तक ये नहीं चल पाया है पता कि इस मामले को लेकर सच्चाई क्या है। एल्विस यादव ने भी इस पर आकर अपनी प्रतिक्रिया दी है कि इस मामले में हमारी थोड़ी भी संलिप्तता नहीं है। बाकी आप किस तरीके से इस मामले को देखते हैं बताइएगा। धन्यवाद।